ये जो किला है बताते हैं त्रेता युग से यहाँ पे बना हुआ है, जो यहाँ थोड़े से ही में लिखी गई है, जिसमें सीधे सीधा लिखा हुआ है राजा हरिश्चंद्र के सुपुत्र रोहतास ने इस किले को मतलब निर्माण करवाया था। ये किला भूतिया है, भूतिया भूतिया मतलब भूत रहते हैं इस किले। भाई के ऊपर आत्मा आ चुकी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बिहार की इस यात्रा में आज हम पहुंचे हैं रोहतासगढ़ के किले पे, और इस किले पे पहुंचने के लिए हमें काफी मशक्कत करनी पड़ी है। ये जो किला है जिला मुख्यालय सासाराम से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। जो रोहतास मतलब कस्बा है, जिसको अकबरपुर के नाम से भी जानते हैं, वो यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे है। और उससे आगे हमें ये बताया गया, हम कल निकले थे बनारस से और कल हम पहुंच गए अकबरपुर शाम को लगभग 3 बजे, तो हमें ये बताया गया कि आगे आपको फिर कोई भी रुकने की व्यवस्था नहीं मिलने वाली है। अभी जब हम यहाँ पे आए हैं तो बाहर ही हमें देखने को मिला है कि यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है। अब हम बताते हैं थोड़ा सा इस किले के बारे में। ये जो किला है बताते हैं त्रेता युग से यहाँ पे बना हुआ है। अयोध्या के राजा त्रसंगु के पौत्र राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहतास ने इस किले का निर्माण करवाया था, ऐसी यहाँ की मान्यता है कि इस किले का जो निर्माण है वो रोहतास ने करवाया था, और इसीलिए इस किले को रोहतासगढ़ बोला जाता है। यानी जो रोहतासगढ़ जो नाम पड़ा है वो रोहतास के ही नाम पे पड़ा हुआ है। आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को ये किला दिखाने वाले हैं और क्या है इसकी हिस्ट्री। जैसे कि बताते हैं कि सतयुग में ये किला बना, तो सतयुग से और अब तक कई हजारों साल बीत चुके हैं, और क्या ये किला वास्तव में तभी से अब तक यहाँ पे खड़ा हुआ है, सारा कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को करते हैं हम लोग शुरू। जैसे ही हम इस गेट के पास में आते हैं तो यहाँ पे एक हमें बोर्ड देखने को मिलता है। इस बोर्ड पे साफ तौर से यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजा हरिश्चंद्र के सुपुत्र रोहतास के नाम से मतलब बना हुआ ये जो किला है, वादवा की यहाँ पे मिट चुके हैं, क्योंकि इस किले का जो रख रखाव है वो नहीं हो रहा है, जिस वजह से इसकी जो आप लोग देख रहे हैं मरम्मत भी नहीं हुई है। दीवारों पे देखेंगे तो कुछ हमारे देश के जो अद्भुत कारीगर होते हैं, जो अपनी कला को प्रदर्शन करते हैं, वो ऐसी जगहों पे करते हैं जहाँ पे किले वगैरह होते हैं, वो अपनी कला को यहीं पे दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, पूरा यहाँ पे बहुत सारे शाहजहाँ हैं जिन्होंने अपनी मुमताज़ के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये यहाँ पर पूरे किले की हिस्ट्री है, जो यहाँ थोड़े से ही में लिखी गई है, जिसमें सीधे सीधा लिखा हुआ है राजा हरिश्चंद्र के सुपुत्र रोहतास ने इस किले को मतलब निर्माण करवाया था। और ये इस किले का गेट है जिससे अभी हम एंट्री लेने वाले हैं। ये इस किले का गेट है जिससे हम लोग अंदर प्रवेश करने वाले हैं। गेट के दोनों तरफ ही यहाँ पे हाथी की मूर्ति बनी हुई है, और ये यहाँ पे गेट लगा हुआ है लोहे का, जो अभी जिस पे ताला लगा हुआ है, लेकिन यहाँ से निकलने का पूरा जुगाड़ है। और इस तरह से अभी हम पहुँच चुके हैं इस किले के अंदर। रोहतासगढ़ भारत का एक अति प्राचीन दुर्लभ धरोहर है। इसका अतीत परम प्रतापी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से जुड़ा हुआ है। हरवंश पुराण के अनुसार सूर्यवंशी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के इकलौते पुत्र राजकुमार रोहतास एक बार इस क्षेत्र में निवास कर रहे थे। इस दौरान वे एक आदिवासी कन्या से विवाह रचाकर कैमूर पहाड़ी के इस प्रक्षेत्र में अपने लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षित आशियाना बनाने का निर्णय किया। आज भी लोगों की मान्यता है कि रोहतासगढ़ किला राजकुमार रोहतास द्वारा बनवाया गया वही आशियाना है। परंतु पौराणिक कथा अनुसार सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष थी, जबकि त्रेता युग की अवधि 12,96,000 वर्ष एवं द्वापर की उम्र 8,64,000 वर्ष थी। अगर तीनों युगों की अवधि को जोड़ दिया जाए तो यह 38,88,000 वर्ष हो जाता है। अगर इस अवधि में चल रहे कलयुग की 4,32,000 वर्ष की अवधि को जोड़ दी जाए तो यह समय विधि 43,20,000 वर्ष हो जाता है। लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि इस दुर्ग का निर्माण सतयुग के अंतिम दौर में हुआ था और वर्तमान कलयुग का प्रारंभिक दौर है, तो बीच का शेष समय 21,60,000 वर्ष बन जाता है। लेकिन रोहतासगढ़ में प्रयुक्त पत्थरों को पुरातात्विक एवं वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है तो प्रयुक्त पत्थर उतना पुराना साबित नहीं हो पाते, अतः यह कहना कठिन है कि वर्तमान किला सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र राजकुमार रोहतास द्वारा ही बनवाया गया है। राजकुमार रोहतास के द्वारा चयनित स्थल या इसके ईद गिर्द ही बनाया गया है, यानी उसके आसपास ही किया गया है। विभिन्न कालखंडों में यह किला आदिवासी राजा खरवार उराव चेर के अधीन रहा। आदिवासी इस किले को शौर्य का प्रतीक भी मानते हैं। बाद में यह किला शेरशाह के अधीन हुआ। शेरशाह के बाद इस किले से ही अकबर के शासनकाल में बिहार और बंगाल के सूबेदार मानसिंह ने यहां से शासन सत्ता चलाई। इस रोहतास सरकार में 7 परगना शामिल था। सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास पर शोध कर चुके इतिहासकार डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी कहते हैं कि यह जिला आदिकाल में कारुस प्रदेश था, जिसका वर्णन
ब्रह्मांड पुराण में भी आता है। रोहतासगढ़ के नाम पर ही इस क्षेत्र का नामकरण रोहतास होता रहा है। कभी भारत के बादशाह शाहजहां भी इस किले में अपनी बेगम के साथ रहे हैं। मुगल साम्राज्य से भी पूर्व 1494 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी ने राजा साहिलवान को चैनपुर व रोहतास का राज सौंपा था। अच्छा बाबा ये बताओ, ये जो किला है किसने बनवाया था, कुछ पता है? हमारा जैसे कैसे कोई सब कोई कहला ना कि ये राजा रोहित के बाद, बाकी रोहतास हरिश्चंद्र के जो बेटे थे, राजा हरिश्चंद्र के बेटे। अच्छा एक कहावत और है कि ये किला भूतिया है। भूतिया मतलब भूत रहते हैं इस किले में? ना ना, ये सब गलत बात है, ये सब गलत बात है, सब गलत बात है। कोई अकेले हूँ रहा, कोई बात के डर नहीं। आप तो यहीं पे क्या गाय भैंस चराते हैं? अच्छा, गांव कितना दूर है आपका? यहाँ लिए कोस उधर ही है क्या किले की तरफ? हम जा रहे हैं तो वहाँ पे पड़ेगा घर हमारा पड़ेगा। अच्छा तो ऐसा कुछ नहीं है, भूतिया उतिया नहीं ना, कुछ ना कुछ लोगों ने कोई डेरवा वाला डेराइली ना बाबू, सभी मरे दिए कोई नहीं। वो तो बात सही है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि बताया जाता है कि ये किला भूतिया है या इस किले की दीवारों से खून टपकता है, तो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। और वास्तव में सुनने से भी ऐसा ही लगता है कि ये सिर्फ अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ये किला जैसे बताते हैं कि रोहतास ने बनवाया था, राजा हरिश्चंद्र के जो बेटे थे, तो इसीलिए इस जगह का नाम भी रोहतास पड़ा है और रोहतासगढ़ किले का नाम है। अच्छा जैसे वो जो पीछे हम छोड़ के आए, हाँ अकबरपुर, हाँ वो अकबर बादशाह के अथी में, वहाँ मियाँ के अथी बा, आजू मियाँ के ठट बा, हाँ वहाँ पे मतलब मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। अच्छा वो अकबर के शासन में उसको वहाँ पे रोहतास, अकबर को अब के नाम से अकबर रोहतासगढ़ बोला ला, उकरे रोहतास, क्योंकि अकबरपुर यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, मतलब जहाँ हम रात में रुक गए थे वो 35 किलोमीटर यहाँ से है, तो वहाँ पे लिखा हुआ भी है रोहतास और अकबरपुर, मतलब दोनों ही नामों से वो जाना जाता है, अकबरपुर और रोहतास। अकबरपुर और रोहतास दोनों रोहतास ही है बाकुर भी रोहतास, हम जी हिंदू जाते रोहतास कहले मियाँ ले जब पूछब ना अकबरपुर के। अभी हम लोगों ने इस किले में एंटर ही हुए हैं, मतलब एंट्री ही की है, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई है, बारिश पड़ने लगी, थोड़ी देर हम रुक भी गए थे क्योंकि कैमरे से हम इससे पहले वीडियो शूट कर रहे थे, कैमरा हमने अपना रख लिया है और अभी हम फिर से फोन पे शूट करने लगे क्योंकि ये वाटरप्रूफ है। तो जैसे ही हम किले के अंदर आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले ही हमको एक ये महल नुमा देखने को मिलता है। ये जो किला है काफी समय तक हिंदू राजाओं के अधीन रहा था और 16वीं सदी में इस किले पे मुगलों ने अपना अधिकार जमा लिया था और काफ़ी सालों तक ये फिर मुगलों के अधीन रहा। इस किले की जो चारों तरफ की दीवार है बताते हैं कि शेरशाह सूरी ने करवाई थी और सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए उसने उस परकोटे का निर्माण करवाया था। जो चारों तरफ यहाँ पे दीवार बनी हुई है वो शेरशाह सूरी ने करवाई थी जिससे कोई इस किले पे हमला ना कर सके। तो यहाँ से जैसे ही हम आगे की तरफ जाते हैं आगे, तो यहाँ से और भी कई सारे महल हमको मिलेंगे। ये जो रास्ते हैं और इस पे कुछ इस तरह के हैं, आगे की तरफ हम जाएंगे तो और भी महल बने हुए हैं और ये जहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हम किले के अंदर अभी एंटर ही हुए हैं, तो हो सकता है वहाँ पे कि उस समय पे ये कुछ सभा कक्ष वगैरह बना हो जिसमें सभा वगैरह होती हो, राजा यहाँ पे बैठते हों और यहाँ पे उनकी जो सैनिक वगैरह होते हैं वो सारे रहते होंगे, इस तरह का यहाँ पे ये बना हुआ है। हालांकि किसी में कुछ भी ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि जिससे हम आपको बता सकें कि ये क्या है। एक चीज़ यहाँ पे और हमें देखने को मिली है, जैसे ही हम इस किले के अंदर आते हैं तो यहाँ पे अगर आप ये वाला जो गेट देखेंगे इस पे ऊपर कुछ पेंटिंग थी उस समय की जो अभी निकल चुकी है, और उससे नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक शिलालेख लगा हुआ है, एक पत्थर के ऊपर कुछ कढ़ाई सी आप लोगों को देखेगी जिसमें हमें ऊपर देखने को मिल रहा है श्री गणेश लिखा हुआ है या क्या ये पता नहीं, लेकिन इसमें हमें एक चीज़ बिल्कुल साफ साफ दिख रही है, सबसे नीचे की तरफ से जब आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है श्री मानसिंह, देखो देखा ना श्री मानसिंह लिखा हुआ है, और उर्दू में जो लिखा हुआ है वो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। सामने जो महल आप लोगों को दिख रहा है ये वाला, कुछ लोग कहते हैं कि ये मानसिंह का महल है तो कुछ लोग कहते हैं ये वाराद्वारी है। जहाँ से हम लोग एंटर होते हैं किले के अंदर वहीं पे ये सामने बना हुआ है, और ठीक इसके बगल में जब हम यहाँ से एंटर करेंगे तो जब हम इस साइड में जाएंगे तो यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये वाला जो महल है वो मानसिंह का महल है, तो हो सकता है ये महल मानसिंह का हो। ये भी काफ़ी खूबसूरत महल बना हुआ है, इसकी दो मंजिला हैं, नीचे वाली मंजिल में कुछ है नहीं, ऊपर ये है और ये यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ हैं जाने के लिए ऊपर। तो चलिए ऊपर चलते हैं थोड़ा जल्दी से और आप लोगों को दिखाते हैं। हालांकि यहाँ पे बारिश हो रही है तो कुछ इस तरह के यहाँ पे ये एक महल बना हुआ है जिसकी डिज़ाइन को आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है। अंदर की तरफ अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे अभी भी जो पेंटिंग इस पे हुई थी उसका कुछ कलर रह गया है,
थोड़ा सा और अंदर जाएंगे तो ये यहाँ पे कुछ वही जो बता रहा था मैं, फव्वारे वगैरह या पानी इसमें भरा रहता होगा। और ये है इसके अंदर का नज़ारा, ये तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सामने जो बताते हैं वाराद्वारी वो सामने ही दिखती है। ये है यहाँ पे, ये अभी हम लोग हैं मानसिंह महल के अंदर। और देखिए ये कुछ इस तरह का गलियारा बना हुआ है जो यहाँ पे बाहर का नज़ारा दिखता है। यहाँ से, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये बाहर का नज़ारा यहाँ से दिखता है और इस साइड से भी ऐसे ही दिखता है। ये कुछ अंदर का नज़ारा है और इसी गलियारे से होते हुए हम दूसरी साइड भी कनेक्ट कर जाएंगे। ये यहाँ से हम नीचे भी जा सकते हैं, ये सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने के लिए और ये हैं ऊपर जाने के लिए। और यहाँ से हम इसकी दूसरी साइड में भी जा सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का ये बना हुआ है। अभी हम आ गए हैं इसके ऊपर, तो ऊपर कुछ भी नहीं है, एक ओपन यहाँ पे छत है। और एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, चारों तरफ यहाँ पे गुंबद बने हुए हैं। तो ये जो गुंबद है ये हिंदू शैली में बने हुए हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा कि नीचे कलश का सेप है और ऊपर कलश के ऊपर एक नारियल का सेप बनाया गया है। तो यहाँ पे ये हिंदू वास्तुकला को दर्शाता है। इसी तरह के चारों तरफ यहाँ पे गुंबद बने हुए हैं जिसके ऊपर पूरा इसी तरह की डिजाइन बनी हुई है। मानसिंह महल के पास में ही यहाँ पे एक और ये महल बना हुआ है जो अभी सिर्फ अवशेषों के रूप में बचा हुआ है क्योंकि ये टूटता हुआ जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ये पानी के लिए बना हुआ है और ये है महल ये वाला। इसकी भी शायद ऊपर से ये छत नीचे आ गई है, धराशायी हो गई है। कुछ इस तरह का ये महल बना हुआ है जिसके अंदर आप जाएंगे। देखिए लॉकिंग सिस्टम दिखाता हूँ किस तरह से ये महल बनाया गया है। ये कुछ इस तरह के पत्थरों से फांस के ये महल बना हुआ है जिसमें ये आप लोग देखेंगे ना तो चूने का इस्तेमाल किया गया है। अंदर की तरफ जब आप आते हैं तो कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। और ये जो पिलर आप लोग देख रहे हैं ये बाद में लगाया गया है सपोर्ट के लिए कि ये जो इमारत है ये नीचे ना गिर जाए। ये जब राजाओं का यहाँ पे शासन था उस समय का नहीं है, ये बाद का है। अब हम चलते हैं इस किले के थोड़ा सा अंदर। जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पे एक और ये खुला हुआ चौक दिखता है। यहाँ पे भी उस समय में कुछ ना कुछ इमारतें रही होंगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे कुछ छत की ढलाई जैसा आप लोगों को देखेगा। यहाँ पे एक चबूतरा सा भी बना हुआ है जो समय के साथ साथ धीरे धीरे टूट गया क्योंकि इसकी जो देख रेख है वो नहीं हो रही है। तो इस वजह से ये इसके जो अवशेष हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको दो गेट मिलते हैं, एक गेट इस साइड में जाने के लिए है तो दूसरा गेट छोटा सा आपको दिखेगा वो इस साइड में जाने के लिए। सबसे पहले हम इस साइड में चलते हैं। महलों का जो ज़्यादातर भाग है वो इसी क्षेत्र में है, उसमें इतना नहीं है। जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो एक कक्ष में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं और सामने यहाँ से अगर देखेंगे तो काफ़ी लंबा सा एक कक्ष बना हुआ है जिसमें गलियारे टाइप के हैं। एक यहाँ पे एक छोटा सा कमरा है, यहाँ पे अगर आते हैं तो एक छोटा सा कमरा यहाँ पे मिलेगा और फिर उसके बाद एक कमरा यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे तीन कमरे बने हुए हैं। और यहाँ से जैसे ही हम आगे निकलते हैं तो यहाँ पे एक खुला हुआ चौक मिलता है। ये जो आप लोग देख रहे हैं पूरा एक चौक है। तो इस तरह के यहाँ पे कमरे बने हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको पांच मंजिला इमारत बोलते हैं, यानी पंच महल बोलते हैं। ये इसलिए क्योंकि ये पांच मंजिला इमारत है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा दिखेगा कि ये इमारत पांच मंजिला बनी हुई है और काफ़ी खूबसूरत ये इमारत है। नज़दीक चल के देखते हैं और अंदर से देखते हैं कि आखिरकार ये है क्या। वैसे तो देखने में पंच महल है तो पाँच मंजिला है इसलिए इसको पंच महल रख दिया, लेकिन इसका यूज़ क्या था वो हम अंदर चल के पता करेंगे क्योंकि हम कई सारे किलों में गए हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ तो नहीं है, कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं है कि कौन सी बिल्डिंग क्या है, मतलब किसके लिए यूज होती थी। लेकिन हम जैसे कि किलों में जाते हैं उसकी बनावट वगैरह ज़्यादा तो सभी किलों में एक जैसी ही होती है। रानी के जो महल होते हैं वो अलग होते हैं एक जैसे, राजा के जो महल होते हैं उनकी सभी बनावट एक जैसी होती है, मतलब थोड़ी बहुत मिलती हुई होती है। तो उसी हिसाब से हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे कौन सा महल किसका है। और आगे अगर आप जाएंगे तो मानसिंह जी का एक सभा कक्ष भी बना हुआ है। जब यहाँ पे मानसिंह जी शासन कर रहे थे तो वो पूरी सभा लगाया करता था, तो काफ़ी मतलब जगह में बना हुआ है। आगे चलते हैं। जैसे हमें बताया गया है ये अगर आप देखेंगे कुछ इस तरह की झाड़ियों से होते हुए जाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे इतना रखरखाव नहीं है जिस वजह से कोई भी ऐसे रास्ते हों। पर्यटकों की भी संख्या यहाँ पे उतनी ज़्यादा है नहीं जितनी होनी चाहिए।
अभी हम जिस महल में खड़े हुए हैं, इस महल को रंग महल, रानी का महल, कई नामों से जाना जाता है। तो जैसे ही आप इसके अंदर आते हैं यहाँ पे, तो कुछ इस तरह की डिज़ाइन अंदर देखने को मिलती है। और ये जो महल है, ये लगभग 5 मंजिल है, इसको पंच महल भी बोला जाता है। तो ये कुछ अंदर का इस तरह का इसका डिज़ाइन है, और ये कुछ ऐसा लग रहा है, ये चमगादड़ों की वजह से या किसकी वजह से यहाँ पे पूरा काला सा हो गया है। यहाँ पे ये 3 पार्टों में बना हुआ है। जैसे इसका एक बरामदा ये है इस तरह का खुला हुआ, उसके बाद एक ये है, और यहाँ पे एक ये पूरा आप लोग देखेंगे तो ये एक रूम बना हुआ है जिसमें पूरी तरह से अभी अंधेरा है। तो बस ऐसा ही रूम है जैसे कि बाहर है, सेम उसी तरह का रूम यहाँ पे भी बना हुआ है। अब हम चलेंगे इसकी दूसरी मंजिल में, और वहाँ पे चल के आपको इसकी दूसरी मंजिल दिखाते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं बिल्कुल किले के ऊपरी हिस्से में, और यहाँ से आप लोगों को नज़ारा दिखाते हैं किले का। ये देखो, ये है कुछ किले के नीचे का नज़ारा यहाँ पे। वो अगर आप सामने देखेंगे वो वहाँ पे वारादारी है, और ये यहाँ पे कुछ महल बने हुए हैं। ये किला वहाँ तक है, यानी वहाँ तक ये महल बने हुए हैं। उसके बाद इस साइड में ये सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने के लिए, और कुछ महल यहाँ पे भी हैं। ये जो हमने आपको दिखाया था ना, ये रंग महल था सामने वाला। चलिए अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, और आप लोगों को दिखाएंगे आज से लगभग 400-500 साल पहले के बाथरूम, कि किस तरह के यहाँ पे बाथरूम हुआ करते थे जिसको राजा और रानी यूज किया करते थे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक महल ये बना हुआ है, आंगन है, और यहाँ पे ये पूरे एक महल के टाइप में बना हुआ है। तो इसके रूम यहाँ पे कुछ इधर बने हुए हैं, कुछ इस साइड में बने हुए हैं। अब हम आपको दिखाने वाले हैं लगभग 400-500 साल पहले के वॉशरूम, और मतलब लैट्रिन, जहाँ पे इनका शौचालय हुआ करता था और जहाँ पे ये लोग नहाया करते थे, वो दोनों चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे। आइए, और दोनों ही चीज़ अटैच बनी हुई है, जैसे कि अभी के ज़माने में अटैच होता ना, सेम उसी की तरह यहाँ पे भी बने हुए हैं। जैसे ही हम इस महल से बाहर निकलते हैं, और ये यहाँ पे देखिए, ये जो है ये इसीलिए बना हुआ है। देखो, जब हम इसमें एंटर करेंगे यहाँ पे, तो ये हम आ गए। अब ये कुछ नहाने के लिए यहाँ पे बने हुए हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के दिखाएंगे। तो ये कुछ नहाने के लिए यहाँ पे बने हुए हैं, इनमें शायद लाइट कम है तो नहीं देख पा। ये है कुछ इस तरह का ये बना हुआ है, सेम इसी तरह का इसमें अंदर भी बना हुआ है। एक यहाँ पे है और दूसरा वहाँ पे है। ये सीढ़ियाँ हैं ये नीचे जाने के लिए, इसमें उतरने के लिए, और यहाँ पे इसमें पानी भरा रहता था जिसमें नहाया जाता था। सेम इसी के बगल में ही जब आप यहाँ से बाहर निकलते हैं इस साइड में, तो यहाँ पे आप लोगों को उस समय का शौचालय मिलेगा। ये देखो, ये है, ये उस समय के शौचालय बने हुए हैं जो आप लोग देख सकते हैं। ये यहाँ पे शौचालय हैं उसी समय के, ये उस समय के शौचालय हैं जो बने हुए हैं यहाँ पे। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो रोशनी के लिए यहाँ पे जगह छोड़ी गई है। तो कुछ इस तरह के यहाँ ये शौचालय बने हुए हैं जो उस समय में इस्तेमाल किए जाते थे। आपको यहाँ पे दोनों ही चीज़ देखने को मिलेंगी, यानी एक तरफ नहाने का मिलेगा तो दूसरी तरफ आपको यहीं पे शौचालय देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरह का सिस्टम उस समय में भी हुआ करता था। जैसे हम लोग अभी अटैच बनाते हैं, वैसे पहले भी अटैच सिस्टम था, जो आप लोगों को यहाँ रोहतासगढ़ किले में देखने को मिलता है। बारिश अभी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी तेज़ हो चुकी है। आज हमारी जो वीडियो है बारिश की वजह से थोड़ी सी ऐसी ही बन पा रही है। ये जो गेट आप लोग देख रहे हैं, इसमें भी मतलब दो राजाओं के समय में इस गेट को बनवाया गया है। आप लोग ये जो आप लोग देखेंगे संगमरमर की तरह कुछ चमकीला जो पत्थर है, ये आपको नया दिख रहा होगा। ऊपर का जो पत्थर है और इधर साइडों का जो पत्थर है, वो आपको पुराना दिख रहा होगा। तो ये जो है, इसी के ऊपर आप लोग अगर हिंदी में देखेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया था, जिस पे लिखा हुआ है श्री मान सिंह, यानी ये किला कुछ समय के लिए अकबर के शासन में भी था। तो जो अकबर के सेनापति थे मान सिंह, वो यहाँ पे रह के पूरे बिहार और बंगाल तक का राज्य संभालते थे। तो उन्हीं के समय में ये यहाँ पे गेट बना हुआ है, जिसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो सन भी मेंशन है, जिसमें लिखा हुआ है 1649। इस किले का जो संबंध है वो स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई से भी है। यहीं से अमर सिंह जी ने 1857 में विद्रोह छेड़ा था, यानी अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह छेड़ा था वो यहीं से छेड़ा था 1857 में अमर सिंह जी ने। तो ये जो किला है, ये स्वतंत्रता संग्राम की जब लड़ाई चल रही थी उसमें भी अपनी भूमिका निभाता है। सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ये बना हुआ है, इसको बोलते हैं रंग महल। जो है ये एक रानियों का महल हुआ करता था, जहाँ पे राजा और रानी अपने प्राइवेट समय को यहाँ पे बिताया करते थे। और इसके आसपास में अगर आप देखेंगे कुछ इस तरह के कक्ष बने हुए हैं,
जो उस समय के दासियों के कक्ष होंगे, क्योंकि सामने रानी का कक्ष है, तो यहाँ पे ये जो है, ये जो कक्ष थे उस समय की दासियों के कक्ष हुआ करते थे। इनको भी अगर आप देखेंगे तो एक कक्ष के मतलब यहाँ पे एक बीच में ऐसे वरामदा टाइप का बनाया गया है और दोनों तरफ एक कक्ष यहाँ पे है और दूसरा कक्ष उस साइड में, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे दासियों के कक्ष भी बनाए गए हैं। अब हम चलेंगे आगे, वो जो रंग महल है उसको आप लोगों अंदर से दिखाएंगे। बाहर से बहुत ही खूबसूरत देखने में है, पूरा एक परकोटे में यहाँ पे ये बनाया गया है। ऊपर जाने के लिए बकायदा वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, एक वहाँ पे है, एक यहाँ पे है, मतलब चारों तरफ यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और देखने में अभी काफ़ी खूबसूरत है। जैसे कि इसका रख रखाव अभी नहीं हो रहा है, उस वजह से यहाँ पे अभी ये आप लोग देख रहे होंगे घास वास यहाँ पे जमी हुई है, लेकिन किला अभी भी पूरी मजबूती के साथ वैसे ही खड़ा हुआ है। अब हम चलते हैं इस रंग महल के अंदर। यहाँ पे ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिससे हम लोग ऊपर चढ़ते हुए आते हैं और ये देखो यहाँ पे एक पूरा चबूतरा टाइप का बना हुआ है। देखिए आपको कुछ इस तरह का, ये देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये चारों तरफ आपको देखने को मिलेंगे इस तरह के। तो ये उस समय में इनमें पानी भरा जाता था, पानी भरने के बाद इसमें गुलाबों के फूलों को डाला जाता था और परफ्यूम वगैरह डाल के, यानी जो हवा बाहर से चले और अंदर की तरफ जाए, वो मतलब उसमें एक अपनी ही महक हो, ताजगी हो, इसलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें की जाती थी। और ये है इसके अंदर जाने के लिए कुछ इस तरह का। देखिए अभी हम आ गए हैं रंग महल के अंदर, तो कुछ इस तरह का ये पूरा रंग महल बना हुआ है, जिसके बीच वाला ये इसका मैन है, ये जो है ये मैन गुम्बद है और दोनों ही तरफ यहाँ पे कमरों के रूप में है। ऊपर की आप अगर आप देखेंगे तो पेंटिंग अभी भी है जो काफ़ी खूबसूरत आप लोगों को देखने में लगेगी, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए यहाँ पे ये जो गेट है इसमें ये जो सुराग है, ये सुराग आप देख रहे हैं, ये यहाँ से निकलते हुए और पूरा इधर तक है, इस साइड तक, यानी ये कुछ फंसाने के लिए है, या तो उस समय में यहाँ पे लॉक वॉक लगते होंगे या फिर उस समय में लकड़ी के गेट वगैरह रहे होंगे या फिर पर्दा सिस्टम होगा। एक होल यहाँ पे भी है और ये जो होल है ये ऐसे करके पास है बिल्कुल इस तरह से, और इसी तरह के जितने भी यहाँ पे ये गेट आप लोग देख रहे हैं सभी में इसी तरह के छिद्र हैं। जैसे हमने वहाँ पे आप लोगों को दिखाया था सेम उसी तरह से देखो यहाँ पे भी ये वैसे ही बना हुआ है पानी के लिए, और जो मैंने बताया था कि इसका यही काम रहता था कि इसमें पानी भरा जाता था और इसकी हवा जो है वो अंदर की तरफ जाती थी, वो ताजगी देती थी। इसी तरह से चारों तरफ बने हुए हैं, एक पीछे की तरफ था, एक यहाँ पे है, तो सेम इसी तरह का एक यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए। तो अब हम चलेंगे इसके ऊपरी वाली मंजिल में और वो आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह की बनी हुई है। उस पे जाने के लिए यहाँ पे ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चलते हैं। इसके जो गेट हैं वो थोड़े नीचे बनाए जाते थे जिससे कि कोई भी इंसान झुक के जाए। अभी हम आ चुके हैं इसके दूसरे माले पे, यानी दूसरी मंजिल पे, और यहाँ पे आके आप लोग देख सकते हैं कि ये जो कितनी खूबसूरत यहाँ पे डिज़ाइन बनाई गई है, जिसको देखते हुए ये लग रहा है कि ये जो है ये रानी का महल रहा होगा उस समय में। यहाँ पे देखिए ये एक झरोका बना हुआ था जो अभी शायद टूट चुका है, कुछ इस तरह का होगा। इसमें एक पिलर यहाँ पे लगा होगा ऐसे और एक पिलर यहाँ पे लगा हुआ था, और ये पूरा एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे झरोका बना हुआ था। तो ये यहाँ पे एक पूरा चौक सा था, उसके बाद जैसे ही आप अंदर आते हैं तो यहाँ पे भी इसी तरह का पूरा चौक है, और ये जो डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं पूरा डायमंड शेप में यहाँ पे डिज़ाइन को यहाँ पे उकेरा गया है। पेंट को अगर आप देखेंगे तो कलर अभी तक यहाँ पे ये है, लगभग 300-400 वर्ष पुराना ये पेंट होगा, क्योंकि ये जो किला है काफ़ी पुराना बताया जाता है और यहाँ पे अलग अलग राजाओं ने अलग अलग समय में शासन किया है, और जब जब जिस राजा का शासन था उसने इस किले की मरम्मत कराई थी। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये एक झरोका है जो हवा आने के लिए है, और यहाँ से आप पूरा बाहर का ये जो चौक है इसको देख सकते हैं। सामने ही अगर आप देखेंगे तो अभी अपना नेशनल फ्लैग लगा हुआ है, और ये पूरा बाहर का ग्राउंड है जो मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हैं ये घोड़ों के लिए यहाँ पे रूम बने हुए हैं, और इन्हीं में इनके जो सैनिक वगैरह रहते थे वो यहीं पर रहते होंगे, क्योंकि ये पूरा बाहर का है। और यहाँ पर भी एक ये चौक बना हुआ है नीचे अगर आप देखेंगे। तो हम लोग अभी पूरा रोहतासगढ़ का जो किला है वो घूम चुके हैं, और बारिश अभी बंद नहीं हो रही है, और बारिश की वजह से हम और भी इसमें, और एक मंदिर भी है जो काफ़ी प्राचीन मंदिर है वहाँ पे भी हम जाने वाले थे, लेकिन बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा फिसलन हो गई है। हमें अभी पहुँचना भी है, पहुँचने में हमको लगभग 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं। लगभग 30 किलोमीटर का जो सफ़र है वो हमारा 2 घंटे में होगा, पिछली बार 2 में हुआ था, इस बार देखते हैं, क्योंकि इस बार हमारी जो बाइक है बहुत ज़्यादा फिसलेगी, क्योंकि नीचे की तरफ जाना है हमको, यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा फिसलन भरी है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाएं। भाई के ऊपर आत्मा आ चुकी है, तो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
वंदे मातरम।